सो गाइज, अभी अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैंने बाल वाल कुछ नहीं बना रखे। सबसे पहले मैं पूजा करने वाली हूँ, तो अभी लाइट है इसीलिए रोटी बनाने से पहले मैं अपनी यूनिफॉर्म में प्रेस कर रही हूँ, वरना लाइट चली जाएगी और कोई भरोसा भी नहीं है इसका। कहाँ घुस गई? पेड़ के जड़ के अंदर घुस गई। अरे ये वो है क्या? उस तरफ से, क्या कहते हैं, उस तरफ से खोखला? रास्ता भी ए है। भगवान, मेरे तो प्राण खा अरे गए। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देख रही है ये वाली रील। ये देख मम्मी मुझे ले रही। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। तो गाइस आज है संडे का दिन, तो इसीलिए छुट्टी होने की वजह से मैंने आज सारे बच्चों को सुबह ही पढ़ा दिया। 9 बजे बुलाया था, तो 9 से 10:30 बजे तक मैंने उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाया। फिर उसके बाद अभी मुझे नहाना है, तो मॉर्निंग में ही, इसीलिए मैंने नहीं नहाया क्योंकि आज मुझे सर धोना था और सर धोने से पहले मुझे अपने बालों में एलोवेरा लगाना है। तो जिस दिन भी छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, ऐसे हमें छुट्टी मिल जाती है, तो मैं अपने बालों पर एलोवेरा लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे एलोवेरा लगा के ही फिर शैम्पू से बाल धोने होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी सुलझ जाए और थोड़े स्मूथ स्मूथ रहे, वरना वो फिर जट जटे टाइप के हो जाते हैं, बहुत रफ से हो जाते हैं। मम्मी तो नहा के आ गई है और बाकी सारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट वगैरह सारे काम हमने कर लिए। तो अभी सबसे पहले मैं जाती हूँ बाहर और देखती हूँ कोई एलोवेरा मोटा मोटा वाला हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि पूरे बालों में लगाना है और पूरे बालों को मैं गीला कर देती हूँ बिल्कुल यहाँ तक, तो इससे मेरे बाल थोड़े स्मूथ भी रहते हैं। आज भी यार। कल की तरह बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर। बाप रे कितनी धूप हो रही है। तो ये वाले एलोवेरा लगे हैं। अरे यार चाकू लाना तो मैं भूल ही गई, तो मैं कौन से वाले से काटूं? इसमें दिख रहा है मुझे ये वाला मोटा सा, तो मैं पूरे यहाँ से काट देती हूँ। इस पिछली बार भी काट रही है मैंने, ये पिछले संडे को काटा था, ये उससे पहले काटा था, ये वाला उससे पहले ये वाला काटा था, इस वाले में से भी काट रखा है ये वाला। कितने सारे एलोवेरा मैंने काट रखे हैं, इसमें से भी काट रखे हैं ये। लेकिन धूप इतनी ज्यादा हो रही है ना कि भुन जाएगा इंसान, भुन। ओ भाई साहब, तो ये ला गई हूँ मैं चाकू और इसको मैं काट लूंगी थोड़ा यहाँ से। हाथ में मैंने फोन भी पकड़ा है, कहीं मेरा ही ना हाथ कटे इससे। ओ ये गिर गया। अब इसको मैं पूरा धो लूंगी और बस ऊपर की छिल छिल के बालों पे लगाती हूँ और फटाफट से नहाने जाती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार। यार आज हमारे घर में बहुत अच्छी धूप आई है, तो आज खिले हैं ये जो टेबल रोज़ होता है ना, इसको टेबल रोज़ बोलते हैं। तो ये धूप में ही खिलता है दिन के टाइम, 12 बजे के बाद ये थोड़ा मुरझाने लग जाता है। तो आज बहुत सारे फ्लावर खिल रखे हैं इसमें। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है धूप धूप वाला, पर अंदर भागो वरना हम भून सकते हैं। कहाँ घुस गई? पेड़ के जड़ के अंदर घुस गई। अरे ये वो है क्या? उस तरफ से, क्या कहते हैं, उस तरफ से खोखला? रास्ता ए भी है। भगवान, मेरे तो प्राण खा अरे गए। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देख रही है ये वाली रील। ये देख मम्मी मुझे ले रही। तो मैंने पूरे एलोवेरा को अच्छे से काट के छिल के पूरे अपने बालों की लेंथ पर लगा लिया है, बिल्कुल गीला कर दिया है और थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ। तो इसको लगाने के बाद जब हम बाल सुखाते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हमारे बालों में जो है एलोवेरा जेल के छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं, तो उनको हल्के हल्के हाथों से निकालना पड़ता है ताकि उस वक्त कंघी करते वक्त वो हमारे बालों में या फिर कंघी में ना फंसे। तो अभी लंच बन चुका है और मम्मी खाना सर्व कर रही है, और आज मम्मी ने बना रखे हैं काले चने जिसको हमें भात के साथ खाना है, और देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो अब हम लंच करते हैं। सो अब मैंने सीधे व्लॉग शूट करा अपना शाम को, क्योंकि लंच करने के बाद हमारा रेस्ट करने का टाइम हो जाता है और साथ ही फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो उस वक्त मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो इसके बाद अब जस्ट बच्चों के जाने के बाद जब 7 बज जाते हैं तो मैं डिनर की तैयारी और फिर उसके बाद अपने कॉलेज का होमवर्क वगैरह करने लग जाती हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और आज मंडे है, मुझे कॉलेज जाना है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे रेडी होना है, जल्दी जल्दी कपड़ों में प्रेस करनी है, उस दिन भी मैं भूल गई थी। तो अभी तो लाइट है, तो अभी 6:30 हो रहा है और धूप भी आ गई है हल्की हल्की वाली। बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रहा है प्यारा प्यारा सा, ओहो ऐसा हो रहा है, साफ साफ मौसम है आज। तो कॉलेज जाने का भी अच्छा दिन लग रहा है मुझे।
हमको होमवर्क भी मिला था तो कॉलेज भी जाना है, लाइब्रेरी से बुक लेनी है सेकेंड सेमेस्टर के लिए और अदर असाइनमेंट भी करने हैं। तो पहले सारा काम वाम निपटा लेती हूँ, फिर होती हूँ कॉलेज के लिए रेडी। अभी मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है, लेकिन अभी हो रही है पोछे की तैयारी मेरी। यहाँ पर पोछा भी रख दिया मैंने। तो अब बस मुझे लास्ट टाइम आटा गूंथ की रोटी बनानी है और उसके बाद मैं होती हूँ रेडी। तो गाइज अभी अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैंने बाल वाल कुछ नहीं बना रखे। सबसे पहले मैं पूजा करने वाली हूँ, तो पूजा के लिए फूल लेके आती हूँ बाहर से। सो गाइज आज मंडे है, इसीलिए मम्मी पापा गए हैं गांव के एक मंदिर में, नैना देवी मंदिर, क्योंकि मम्मी ने पिछले हफ्ते ही सोचा था कि जब मंडे आएगा तो मंदिर जाएंगे। आज मैं भी जाने वाली थी लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना था और कॉलेज जाने में लेट हो जा रही थी, इसीलिए अभी मैं घर पे ही, घर के मंदिर में ही पूजा वूजा करके अब कॉलेज जा रही हूँ, बाल सुलझा रही हूँ। और फटाफट से वैसे मेरे बाल सुलझे हुए हैं क्योंकि कल मैंने एलोवेरा से सर धोया था, तो जब भी एलोवेरा से मैं सर धोती हूँ तो मुझे ज़्यादातर सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ और कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है, इसलिए मैं अब निकलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक क्लिप अप, बाय एंड टेक केयर।